दोस्तों आज बात करते हैं सिर की जलन की। सिर की जलन अगर आप महसूस करोगे, कई लोगों के आहिस्ता आहिस्ता सिर से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, उनकी आंखों में जलन होती है, शरीर में गर्मी रहती है। अगर आप इस चीज़ को सर्च करें, उसका वातावरण देखें या उसका स्वभाव देखें, तो उसके स्वभाव में उग्रता देखने को मिलेगी। अगर उसकी आप बॉडी टेम्परेचर चेक करें तो आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा। जो हमारे पास लोग आते हैं, हम लोग उनका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, उनका फेस से, आई से, वैसे भी बॉडी टेम्परेचर करने से उनकी 70% समस्याओं का हल हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि कई बार बाहर से जो बॉडी टेम्परेचर दिखता है वो अंदर नहीं होता, जो अंदर से दिखता वो बाहर नहीं होता। अगर उसको सही तरीके से देख लिया जाए तो टनों के हिसाब से जो हम दवाई खा रहे हैं उसका बचाव हो जाएगा। कई बार लोग घर में आते हैं, पगड़ी उतार देते हैं, घर में आते हैं सिर से टोपी तक उतार देते हैं। अगर उनको देखा जाए तो उनकी टांगों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, सिर में जलन होती है, ऐसे लगता है जैसे कोई रेंग रहा हो। और उसका साइड इफेक्ट क्या क्या शुरू होता है? आँखों में जलन, सिर के बाल झड़ने और आसपास में लाली, और कुछ टाइम बाद सर पे दाने दिखेंगे। अगर कोई आपके पास ऐसा केस है या आप के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अपनी एसिडिटी को नॉर्मल करना है। जब आप एसिडिटी को नॉर्मल करोगे तो आपका जो वायु सिर की ओर जाती है, जो आपको तत्परता लगाती है, तलछनी बोलते हैं पंजाबी में, जैसे उत्तेजना आती है दिमाग को, वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो नंबर दो पे आपने क्या करना है, मैं एक आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। आपने कतीरा गूंद लेना है 10 ग्राम, और 10 ग्राम लेने हैं मेहंदी के फूल, मेहंदी का पत्थर नहीं लेना, फूल लेना है। एक मिट्टी का कुज्जा ले लेना है, जिसको हम छोटा सा मिट्टी का बर्तन मिल जाता है छोटा सा, उसमें एक गिलास आपने पानी डाल लेना है, 10 ग्राम कतीरा गूंद और 10 ग्राम ही मेहंदी के फूल रात को पानी में डालकर भिगो कर रख देने, सुबह उसको मसल कर पी लेना है। कुछ दिन पीने के बाद आपके जो दिमाग में जलन होती है, आपके शरीर में जो जलन होती है इस ऊपर एरिए में, आप जिस सरदारों में ऐसी परेशानी रहती है, हमारे साथ भी कभी कभी होती है, जब हम धूप में घूमते हैं, धूप में चले जाते हैं, धूप में कोई काम करते हैं, तो हमारा जब तक घर आते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी कपड़े को सिर से उतार कर रख दें, तो ये तो हमारे तो कपड़ा पगड़ी का वजन बहुत होता है। पर हमने ऐसे केस भी देखे हैं जिनको सर पे टोपी पहनना भी मुश्किल हो जाता है। आप उसको जो मैंने आपको बताया है कि मेहंदी के फूल और कतीरा गूंद, इसमें आप मिश्री डालिए, पी जाइए। एक घंटा पहले कुछ नहीं पीना, एक घंटा बाद में कुछ नहीं पीना। इन दिनों में आपने गर्म चीज़ें नहीं खानी, आपने मीट मछली अंडा मुर्गा कुकड़ कुछ नहीं खाना, दलिया खाना, खिचड़ी खाना, उबला हुआ खाना। अगर आप 15 दिन जब प्रयोग करोगे, पहले एक हफ्ता करना है, उसके बाद छोड़ना है। अगर कोई बात हो तो मेरे से फ़ोन पे बात करनी है या मैसेज करना है, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा। अगर कोई और भी प्रॉब्लम हुई तो उसका हल निकालूंगा। आपने इस बात पे अमल करना है, आपके सिर की जलन, आपका सिर दुखना सब ठीक हो जाएगा। आप इसको उपाय को करिए, आपको फ़ायदा होगा। जय गुरुदेव।